नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। बराकर बस स्टैंड में हमारा डांस एकेडमी है, जहां पर डांस, सिंगिंग, मॉडलिंग सिखाया जाता है। ये एक योगा दिवस पर हमारा महिलाओं के लिए योगा सुविधा की गई है। हमारा यहाँ एडमिशन फ्री है, जिन्हें भी करना है, इंटरेस्टेड है, वो संपर्क करें। और यहाँ ब्यूटिशियन भी सिखाया जाता है, और नीचे दिया हुआ नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये हमारे हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं आज हम समर जो है समर में एक प्रोग्राम उर्दू विधान जो बच्चे उर्दू विभाग में है और उसके आधार पर जो बच्चों ने अच्छा मार्क्स हासिल किया है उनको यहाँ पे इनाम मिलने जा रहा है। कि आज की ये प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ किया है और इस कमरे से हम सीएम का आधार रहा है कि वो करे बात तो हर बात से खुशबू आए, वो करे बात तो हर बात से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोली किसे खुशबू आए। अरे इंटर है उनसे ये सवाल कर रहा हूँ कि सर आपने ये जो प्रोग्राम की आए प्रोग्राम को कंडक्ट किया आप प्रोग्राम की नजामत की आपने अपने तब तो इंटर से प्रोग्राम को जवाबदार बनाया तो उस तक क्या कहेगा। उर्दू भाषा का सबसे पहली बात ये है कि उर्दू अगर लेकर चले उर्दू सब्जेक्ट करना है, उर्दू को की बुनियाद है एक मीठी जुबान, एक शीरी जुबान, लोग इसमें कामयाबी हासिल करके आगे और रास्ता बनाना चाह रहे हैं बनाए। साथ ही साथ उर्दू एक ऐसी जुबान है इससे बहुत सारे लोगों ने कामयाबी हासिल की है और
काफी अच्छा रिजल्ट हुआ, बाकी कामयाबी के साथ उन्होंने काम बनाया। सर किनार कर रहे हैं, कितना मशवरा है मैसेज में गुरु को लेकर चले कि गुरु प्यारी सुभाष है और आगे के लिए सरासर वो साफ है और इसमें कामयाबी हासिल कर। मैं इस शेर से कहना चाहूँगा जो लोग कामयाब हुए आपसे, मैं उनके लिए दुआ भी देता हूँ कि वो आगे कामयाबी हासिल करेंगे। और जो लोग हराम नहीं है बराकर बस स्टैंड में हमारा डांस एकेडमी है जहाँ पर डांस सिंगिंग मॉडलिंग सिखाया जाता है। ये एक योगा दिवस पर हमारा महिलाओं के लिए योगा सुविधा की गई है। हमारा यहाँ एडमिशन फ्री है, जिन्हें भी करना है इंटरेस्टेड है वो संपर्क करें। और यहाँ ब्यूटिशियन भी सिखाया जाता है और नीचे दिया हुआ नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। नई नस्ल जो है वो सोशल मीडिया में खूब गई है, बड़ा देख रहे हैं मोबाइल पे है। और ऐसा लग रहा है कि हम लोग नई नस्ल से नवमी होते जा रहे हैं कि नस्ल कहाँ जाके ठहरेगी। उनका ज्यादातर वक्त व्हाट्सएप फेसबुक सोशल मीडिया पर चला जाता है। जो बच्चे अपने मुस्तकबिल को बनाना चाहते हैं उसके लिए आपका क्या मैं इसी विषय में आज प्रोग्राम में भी चाइल्ड अवेयरनेस का थोड़ा कुछ बोले हैं, उसी के बारे में विशेष करके बोलेंगे। मोबाइल जो आया हुआ है ये एक नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है। जो जिस तरह से इस मोबाइल को अपनाएगा उसी तरह उसको फल मिलते जाएगा। जैसे कि मोबाइल से फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने के लिए नहीं होते, इसमें इंटरनेट रहते हैं, इसमें हायर स्टडीज का नेट से डाउनलोड करके पढ़ाई भी हो सकते हैं। जो जिस तरह का मोबाइल यूज़ करे उसी को उसी तरह का सफल मिलेगा। कि इस्लामिक रिलीजियन में तो उर्दू लैंग्वेज बहुत ही मैंने महत्वपूर्ण लैंग्वेज है, तो इसमें जो लड़की लोग जो उर्दू लैंग्वेज सीख रही है और इसको आगे लेके जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन लोग का कौम में कहीं है कुरान वगैरह में तो उर्दू नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छा कदम उठाए हैं। हिंदी इंग्लिश मीडियम बंगाली मीडियम पढ़ती भी है, उसके साथ साथ लोग जो ये उर्दू लैंग्वेज को अपनाई है और इसमें लोग टॉपर कर रही है, इसको लेके हम लोग सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहते हैं। वो अपना भाषा को आगे तहजीब का असर पार कर दिया यहाँ ने कुछ मिजाज अलग ही बना, उर्दू को बेवजह मुसलमान कर दिया, उर्दू को बेवजह मुसलमान कर दिया। ये आप जाना से अच्छा हिंदुस्तान आप हमारे उर्दू को प्रोग्राम लाएं, आपका कोई नहीं पूरी हिंदुस्तान के लिए डिमांड है कि झारखंड की जो भी सरकार आती है ये वादा करती है कि झारखंड उर्दू अकेडमी बनाए। कहाँ पे आप लोग उतारिए, ये कहाँ पे चूक है कि झारखंड का उर्दू आ गया, अब तक झारखंड में उर्दू अकेडमी का क्या? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। चूक की बात जहाँ तक है तो मैं तो सच और हक बोलना चाहूँगा कि कुछ कमी हम लोगों में ही है, या हम लोग बेदार नहीं हो रहे हैं, हम लोग जाग नहीं पा रहे हैं। जब हम जागेंगे तभी हम दूसरे को जगा पाएंगे। जिस तरह से आज यहाँ प्रोग्राम किया गया और उस प्रोग्राम में बातें आई, जिस तरह मैंने ये कमेटी के लोगों ने भी कहा कि हम लोगों को जाग कर और सरकार से डिमांड करना होगा, जैसा कि सच है कि इस एरिया में सभी स्कूल में पहले उर्दू टीचर थे, अब बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। ऐसे ही तो हालात पूरे झारखंड का यही है, पूरे झारखंड का ये है। अब हमको बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ेगा या बोल रहा हूँ कि पता नहीं सरकार क्यों इस तरह के सौतेला बर्ताव कर रहा है, या उस कुछ गलत फहमी में है। जिस तरह के बातें हो रही हैं बताया गया और अभी भी बात आई कि उर्दू मुसलमान या किसी ख़ास मजहब की ज़ुबान है,
उर्दू हिंदुस्तान की जुबान है और उर्दू मीठी जुबान है और आप लोग भी सब जानते हैं कि आज भी पंजाबी लोग उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू समझते हैं, उर्दू जानते हैं। तो क्या मैंने उस उर्दू को क्यों अपनाए हुए, क्योंकि उनको इसका लज्जत और इसका मजा मालूम है। इसीलिए मैं गुजारिश करूंगा आप मीडिया के जरिए, आप बड़ी खुशी हुई कि आप लोग भी हम लोगों का साथ दे रहे हैं, तो बिल्कुल इसको बात को आगे तक ले जाएं कि जब तक उर्दू को यहाँ जगह नहीं मिलेगा तो कामयाबी में ना तो हम लोग ना मुकम्मल होंगे, कामयाब हम लोग नहीं हो पाएंगे। तो जो आगाज हुआ है उस आगाज को तो हम यही कहेंगे कि अंजाम की परवाह न कर, अंजाम की परवाह न कर आगाज करके दे और भीगे हुए परों से भी परवाह करके दे। आप लोगों का सबका साथ रहा और इस पर हम लोग अमल करेंगे। सबसे पहले उर्दू फाउंडेशन आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई है ना कली बनी और अभी भी सिखाने वाले हैं। उर्दू दुनिया के तमाम खत्ते में बोली जाती है। इंग्लैंड में उर्दू चौथा लैंग्वेज हो गया था आज से कितना पहले, ठीक है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि इस उर्दू बेदारी फाउंडेशन तंजीम में आप लोगों ने बयान किया। हमारा सवाल ये है कि उर्दू बेदारी फाउंडेशन जो आप लोगों ने बयान किया मकसद यह है कि जब से हिंदुस्तान आज़ाद हो और जिसकी भी हुकूमत रहे वो हुकूमतों ने वो सरकार ने उर्दू को नज़रअंदाज किया, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो या बीच में दूसरे की सरकार हो। हमने यही देखा अपने बचपन से कि जो उर्दू की तरक्की देनी चाहिए ये बोली में तो बोल देते हैं कि हमारी उर्दू को तरक्की दिया जाए, लेकिन ज़मीनी स्तर में हकीकत में ये देखा गया है कि जितनी भी सरकार हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद बनी है उन्होंने उर्दू के साथ सौतेला व्यवहार किया है। जबकि वो सरकार चलाते हैं, संविधान का शपथ ग्रहण करते हैं कि मैं सबको एक नज़र से देखूंगा, उनकी मेंटेलिटी में ये होता है कि ये खास एक कम्युनिटी एक मुसलमानों की ज़बान है, लेकिन ये हकीकत यह है कि हिंदुस्तान की ज़बान है। आप हिंदुस्तान के हुक्मरान हैं, आपको सौतेला नज़रिया से हमें अगर 10% है तो 90% यहाँ की सरकार में कानून है। इसलिए यहाँ के बच्चों से उनके गार्जियनों से मैं इंटरव्यू लेता रहता हूँ, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हम अपना एक सब्जेक्ट उर्दू रखें, लेकिन जब वो स्कूल में दाखिला कराने जाते हैं वो स्कूल में उर्दू मास्टर नहीं रहता और लोग कहते हैं क्या उर्दू रख के क्या फ़ायदा जब ये स्कूल में उर्दू नहीं है। तो 10% तो हम लोग खामी है कि हम लोग इसके लिए कोशिश सरकार पर दबाव नहीं बना पाते हैं, लेकिन 90% यहाँ की गवर्नमेंट कसूरवार है इसलिए कि वो कम से कम हर स्कूल में एक उर्दू टीचर रखे। उर्दू के साथ हो रहा है उर्दू बेदारी कमेटी का हम लोग ने इसलिए क्याम किया है कि हम लोग कम से कम यहाँ की आवाम को जगाएं, यहाँ की सरकार पर दबाव बनाएं और हमारा उर्दू फाउंडेशन सरकार पर ये दबाव बनाएगा कि ये स्कूल में आप उर्दू नहीं रखते हैं, आप वहाँ पर उर्दू मास्टर को रखिए और यहाँ पर हम अपने बच्चों को हर एक सब्जेक्ट जरूर कहें कि मैट्रिक तक उर्दू रखें। ये सर आप जो ये प्रोग्राम में तो बहुत अच्छा लगा कि मैं शिक्षा विभाग से हूँ और पहली दफ़ा फाउंडेशन के द्वारा बच्चों के हौसला अफजाई के लिए ये भी प्रोग्राम रखा गया, इससे मैं बहुत खुश हूँ और मैं फाउंडेशन के सदस्यों से आग्रह भी करूँगा कि प्रतिवर्ष मैट्रिक और इंटर लेवल पर बच्चों की हौसला अफजाई करें और इस प्रोग्राम को निरंतर आगे जारी रखें। बच्चों के लिए मेरे लिए यही मशवरा है कि ये अपनी जो मेहनत है उसको निरंतर आगे बनाए रखेंगे जिससे इनका भविष्य सुरक्षित हो और समान आगे बढ़े। ओके बेटा आपका नाम क्या है? मैट्रिक पास किए हैं। आपके पास किए हैं कितना पास है? 81। ये जो पास किए हैं इसमें टीचर का क्या रोल है?
टीचर का रोल आपको मास्टर से भी आपके उस्ताद के कितने दिन लगते हैं? आप लोगों ने हम लोगों से बात की और बहुत